नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहां देख सकते हैं कि ये है कंडेंसर का पंप। तो उस कंडेंसर का जो पंप है इसमें एक खराबी है। यहां देख सकते हैं कि ये है कंडेंसर, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस कंडेंसर के पंप में कोई खराबी है। खराबी ये है कि इसका जो पंखी है, चलते वक्त इसका जो फैन है ये खुल गया है। और खुलने का कारण दोस्तों कि इसके जो शाफ्ट है इसमें कोई होल नहीं है, जिसके कारण से ये जो बोल्ट है उसमें जाकर फंसे। तो जब भी ये चालू होता है तो ये स्लिप कर देता है, क्योंकि जब मोटर चालू होता है तो ये झटका मरता है, जिसके कारण से ये स्लिप होकर और धीरे धीरे ये खुल गया था। तो इसे हम ठीक करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इस फैन को हम निकाल लेते हैं, ये बिल्कुल ही ढीला हो चुका है। तो इसे हम निकाल लिए। यहाँ देख सकते हैं कि इस शाफ्ट में कोई भी होल नहीं है इसमें, जिससे ये जो बोल्ट है ये जाकर उसमें फंसे। इसलिए जब भी पंप चलता है तो ये घूम जाता है और आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये खुल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम होल करेंगे, एक थोड़ा सा होल करेंगे, जिससे ये बोल्ट है ये बोल्ट जाकर उसमें फंसे, तब जाकर ये घूमेगा नहीं और ये खुलेगा नहीं। तो देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ये होल होता है नहीं, क्योंकि ये शाफ्ट है बहुत हार्ड होता है, फिर भी हम देखते हैं कि होल होता है नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ड्रिल लिया है और इसमें जो बीट है लोहे वाला ये लगभग 1 सूत का है, ठीक है। 1 सूत का बीट लगाया है सबसे पहले, और होल होगा 2 सूत का। तो सबसे पहले पतले वाले से कर लेंगे, उसके बाद हम 2 सूत का बीट लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पर ये बोल्ट घूम रहा है वहाँ पर निशान है, तो मैं वहीं पर पंच मारूंगा। पंच मारने से ये होगा कि बीट जब हम होल करेंगे तो इधर उधर बीट जाएगा नहीं। तो हम पंच कर लेते हैं, ठीक है, मैंने पंच कर लिया, अब होल करके देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो होल है थोड़ा होल हो चुका है, थोड़ा और कर लेते हैं। अब इसमें 2 सूत का करेंगे, बीट को खोल लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इससे हम होल करेंगे, तो टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये जो होल है आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी होल हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं तो इसमें जाकर जो बोल्ट है आसानी से फंस जाएगा। इस तरह का बोल्ट इसमें आसानी से जाकर फंस जाता है। तो चलिए लगा कर देखते हैं, पहले इसको सफाई कर लेते हैं। लगा कर देखते हैं दोस्तों। दोस्तों कंप्रेसर और रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि उस होल में जाकर ये जो बोल्ट है अच्छी तरह बैठ गया है, ठीक है दोस्तों।
अब ये घूमेगा नहीं, तो इसे हम अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि इसमें चक नट नहीं है, एक इसमें नट लगेगा जिसके कारण से ये खुलेगा नहीं, तो हम चक नट लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसे हम खोल लेते हैं, इसके अंदर हम चक नट लगाएंगे जो बोल्ट है। अगर चक नट नहीं रहेगा तो ये आसानी से खुल जाएगा, तो पहले से इसमें चक नट नहीं लगा था इसलिए जल्दी ये खुल गया। तो इसे हम इसमें हम चक नट लगा लेंगे। दोस्तों आपने पिछला वीडियो देखा कि इस तरह कंडेंसर को तैयार किया गया है, और उस कंडेंसर के आप देख सकते हैं कि कंडेंसर कितनी फिनिशिंग तरीके से तैयार किया हुआ है, और पाइप का जो लेबल है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे हम यहीं पर रखेंगे, इस बोल्ट में हम एक चक नट लगा लेते हैं। तो चलिए लाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने चक नट लगा लिया है, ये बोल्ट बड़ा था मैंने इसके जैसा ही छोटा बोल्ट लगा लिया है। दोस्तों चक नट लगाने से ये जल्दी खुलता नहीं है, ये टाइट रहता है, नहीं तो ये चालू वक्त में खुल जाएगा, इसलिए चक नट जरूरी है। अब ये टाइट हो चुका है दोस्तों, अब चक नट को हम टाइट कर लेंगे। तो चक नट भी टाइट हो चुका है, अब इधर लगा लेते हैं, इसको भी खोलकर छोटा लगा लेते हैं। ये टाइट हो चुका है दोस्तों, इसका चक नट लगा लेते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कि कितना अच्छी तरह टाइट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका कवर लगा लेते हैं, ये रहा कवर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। अब दोस्तों इसे चालू करके देखते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले सामान हटा लें यहाँ से।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है और ये चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं। तो इस तरह दोस्तों अगर ये तरह का प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो कंडेंसर है ये चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।